हाय व्यूअर्स, दिस इज बिबू दत्ता फ्रॉम साउंड टेक्नो गाइड। आज का ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ पोट्रोनिक्स ब्रांड का साउंड स्लिक 2 का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो ये पोट्रोनिक्स ब्रांड का साउंड स्लिक 2 जो है वो बेसिकली एक ब्लूटूथ साउंड बार है। इसमें आपको 4.2 का ब्लूटूथ मिल जाता है और इसका जो आउटपुट है ये 40 वाट का है। उसके साथ साथ इसमें आपको 3D साउंड मिल जाता है। अगर आप कोई भी मूवी वगैरह वॉच करते हैं और उसका आवाज जो है ये ब्लूटूथ साउंड बार में सुनते हैं तो आपको एक थिएटर जैसा फीलिंग आता है। उसके साथ साथ इसमें आपको पेन ड्राइव का सपोर्ट मिलता है, ऑक्सिलरी इन का सपोर्ट मिलता है और ब्लूटूथ का सपोर्ट मिलता है। तो आप कोई भी डिवाइस में इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मोबाइल फोन हुआ, आईफोन, आईपैड हुआ या लैपटॉप मैक वगैरह में भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसका प्राइस भी काफी कम है, तो ये आपको amazon.in में मिल जाता है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हूँ, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू। तो हमारा कुरियर पैक जो है वो काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये लगभग 4.5 फीट का कुरियर पैक है। तो इसको हम ओपन करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल, बाजू में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जो भी नया वीडियो आएगा आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये है उसका ओरिजिनल बॉक्स पैक। तो अभी हम इसको टेबल के ऊपर रख के उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसका बॉक्स पैक काफ़ी बड़ा है, जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी बड़ा है बॉक्स पैक। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पोट्रोनिक्स ब्रांड का है और यहाँ पे रिमोट कंट्रोल आपको मिलता है और ये USB सपोर्ट करता है और यहाँ पे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग लिखा गया है और यहाँ पे ये ब्लूटूथ है जो कि वायरलेस म्यूजिक लिखा गया है और यहाँ पे 3D साउंड लिखा गया है और ऑक्स, PSP, MP3 एंड MP4 वगैरह ये सपोर्ट करता है। और यहाँ पे देखा जाए तो ये साउंड स्लिक 2 है, 40 वाट वायरलेस साउंड बार है ये। तो आप TV वगैरह में ऐसे इसको लगा सकते हैं। तो इसे फोटो वगैरह दिया गया है और ये साइड में भी लिखा गया है वायरलेस म्यूजिक, ऑक्स सपोर्ट है, USB ड्राइव है, मोबाइल फोन में आप कनेक्ट कर सकते हैं, टैबलेट लैपटॉप वगैरह में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और ये साइड में साउंड स्लिक 2 40 वाट वायरलेस साउंड बार लिखा गया है और यहाँ पे 3D साउंड्स लिखा गया है। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट चीज लिखा गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो स्पेसिफिकेशन है ये ब्लूटूथ 4.2 है और यहाँ पे इम्पीडेंस जो है वो 8 ओम का है और आउटपुट जो है 20 वाट का 2 स्पीकर है, तो टोटल आउटपुट जो है 40 वाट का है और ऑक्सिलरी पोर्ट जो है वो ऑक्स इन है 3.5 mm का और यहाँ पे उसका वेट जो है वो 1.8 kg का है। और यहाँ पे कुछ फोटो दिया गया है, तो उसका ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको पावर बटन मिल जाता है और वो बटन मल्टीपल पर्पस के लिए आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि पावर ऑन भी होता है, ऑफ होता है, ब्लूटूथ ऑन होता है, ऑक्स, USB और सभी मोड भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम रखकर दिया गया है जो कि वॉल्यूम अप डाउन का काम करेगा और प्रीवियस एंड नेक्स्ट का भी काम करेगा। और इसका बैक साइड में देखा जाए तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इन पोर्ट है और यहाँ पे उसका अडोप्टर का पोर्ट है और यहाँ पे USB पोर्ट आपको एक मिलता है और ये आपको 1 साल वारंटी के साथ मिलता है। और ये पोर्टल में अगर रजिस्टर करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा वारंटी भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और यहाँ पे उसका डिटेल दिया गया है, ब्लैक कलर में है और इसका मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है 3999 लिखा गया है, जबकि ये आपको ऑनलाइन स्टोर में कम प्राइस में मिल जाता है। तो अभी हम इसको ओपन कर देते हैं। तो बॉक्स के अंदर यहाँ पे आपको एक अडाप्टर मिलता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अडाप्टर का पिन जो है ऐसा है और इसका आउटपुट जो है वो 18 वोल्ट 2 एम्पीयर का है। और उसके साथ साथ यहाँ पे भी कुछ उसका डॉक्यूमेंट वगैरह दिया गया है। तो मैं यहाँ पे ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे उसका यूजर मैनुअल मिल जाता है और यूजर मैनुअल जो है वो इंग्लिश में है और इसको कैसे सेटअप करना है डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। और यहाँ पे पोट्रोनिक्स का विजिटिंग कार्ड टाइप का उसका वारंटी कार्ड है ये और यहाँ पे मॉडल नंबर वगैरह लिखा गया और सीरियल नंबर भी लिखा गया है। और ये है उसका रिमोट, तो रिमोट को यहाँ से मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये है उसका रिमोट, तो काफी छोटा रिमोट है ये
और यहाँ पे पावर बटन दिया गया है, म्यूट बटन है, वॉल्यूम प्लस एंड माइनस है, नेक्स्ट एंड प्रीवियस है, और यहाँ पे प्ले एंड पॉज दिया गया है, और ये 3D साउंड के लिए दिया गया है, और ये उसका मेन्यू है। और यहाँ पे एक ऑक्स केबल दिया गया है जो कि 3.5 mm का ऑक्सिलरी केबल है, और यहाँ पे एक ऑडियो का पिन दिया गया है, तो आप इसको आपका टीवी वगैरह में कनेक्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वॉल माउंट का किट दिया गया है, आप इसको वॉल माउंट भी कर सकते हैं। तो अभी हम हमारा साउंड स्लिक 2 को ओपन करते हैं। तो ये हमारा वेट स्केल, तो अभी हम ये साउंड बार का वेट जो है वो मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1 किलो 800 ग्राम का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 55 इंच का एक टीवी है, उसके सामने हम हमारा साउंड स्लिक 2 को रखे हैं, तो ये लगभग उसके बॉर्डर के आसपास आ जाता है। तो अभी हम इसका जो लेंथ है उसको मेजर करते हैं। तो इसका टोटल लेंथ जो है 3.1 फीट का है। तो आप आपका 55 इंच टीवी से लेके 32 इंच टीवी के सामने इसको रख सकते हैं, या वॉल माउंट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं उसका बैक साइड, यहाँ पे वॉल माउंट के लिए प्रोविजन दिया गया है दो साइड में दो, और यहाँ पे रबर का कुशन भी दिया गया है, मीन्स अगर आप उसको वॉल में लगाते हैं तो आपका वॉल खराब भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक रिमोट भी मिलता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये रिमोट है उसका, और ये रिमोट में काफी सारे फंक्शन है। अगर आप आपका ये साउंड स्लिक 2 को कोई भी स्मार्ट टीवी में लगाए हैं, या एंड्रॉइड टीवी में, या अमेजन फायर स्टिक में लगाए हैं, तो ये रिमोट से भी आपका काफी काम हो जाएगा। मीन्स आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं तो रिमोट से भी प्ले एंड पॉज कर सकते हैं, और यहाँ पे वॉल्यूम रॉकर्स जो है उस पर कम ज्यादा कर सकते हैं, नेक्स्ट फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। और यहाँ पे 3D का ऑप्शन दिया गया है, तो 3D का ऑप्शन अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको 3D साउंड मिलता है, उसको सेकेंड टाइम क्लिक करते हैं तो आपको नॉर्मल साउंड सुनने के लिए मिलता है। और ये उसका मेन्यू है, ये म्यूट बटन और ये पावर बटन है। तो ये साउंड बार को जब आप पावर ऑन करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एक व्हाइट कलर का लाइट जलता है, तो आपको उसके बाद यहाँ पे जो पावर बटन है इसको प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो ये ब्लू हो जाता है, और यहाँ से मैसेज आता है पावर ऑन। तो यहाँ पे हम हमारा मोबाइल फोन से इसको कनेक्ट करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं टीवी में भी पेयरिंग के लिए ऑप्शन आ जाता है, बट इसको हम पहले कैंसिल कर देते हैं। हम पहले मोबाइल फोन से कनेक्ट करके देखेंगे, उसके बाद टीवी में कनेक्ट करेंगे। तो नॉर्मली जैसे ब्लूटूथ कनेक्ट होता है, आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, सर्चिंग करेंगे तो यहाँ पे साउंड स्लिक 2 आ जाता है। डिवाइस पेयर्ड, तो यहाँ पे मैसेज आ गया डिवाइस पेयर। तो यहाँ पे हम एक गाना प्ले करते हैं, तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ। यहाँ पे मैं इसको म्यूट कर दिया, तो देखिए नेक्स्ट ट्रैक अभी चेंज हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं प्रीवियस ट्रैक चेंज करता हूँ, तो देखिए ये प्रीवियस ट्रैक भी चेंज हो गया। तो अभी वॉल्यूम को कम ज्यादा करते हैं, तो यहाँ से देख सकते हैं मैं वॉल्यूम को कम कर रहा हूँ, यहाँ पे मोबाइल फोन से भी वॉल्यूम जो है वो ऑटोमेटिक कम हो रहा है, और यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ तो मोबाइल फोन से ये वॉल्यूम जो है बढ़ रहा है। तो सेम अभी हम आईपैड में चेक करते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम तरीका से कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि ब्लूटूथ है, यहाँ पे सर्चिंग में साउंड स्लिक 2 आ जाता है। डिवाइस पेयर्ड, तो यहाँ पे पेयर हो गया डिवाइस। तो यहाँ से ये गाना मैं प्ले किया, तो यहाँ से भी वॉल्यूम कम ज्यादा आप कर सकते हैं। एंड्रॉइड टीवी में कनेक्ट करने के लिए भी सिंपल है, आपको सेम यहाँ पे सेटिंग में जाना है, ब्लूटूथ में जाके इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे हम इसको प्ले करते हैं,
तो यहाँ पे मैं मूवी वगैरह आपको दिखा नहीं सकता, मे भी कॉपीराइट का प्रॉब्लम आ सकता है, फिर भी मैं एक छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। जब किस्मत ने उससे उसकी पत्नी छीन ली, तब भी उसने मुझसे या दूसरे देवताओं से मदद के लिए प्रार्थना नहीं की। आज देवताओं का राज खत्म। तो यहाँ पे मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इसका साउंड आउटपुट जो है आपको सुनाया, तो आपके पास जो साउंड आउटपुट पहुंचा है ये मेरा माइक्रोफोन रिकॉर्डिंग किया है और आपके डिवाइस के थ्रू में आप देख रहे हैं, तो इसका जो प्रॉपर साउंड है वो आपको मिल नहीं पाया, बट इसका जो प्रॉपर साउंड मैं सुन पाया हूँ, तो उस हिसाब से इसका बास एंड ट्रिबल का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है, आपको बहुत ही अच्छा साउंड का आउटपुट मिल जाता है और यहाँ पे आपको 3D का साउंड मिलता है। मीन्स अगर आप मूवी वगैरह आपका टीवी में वॉच कर रहे हैं और इसका साउंड जो है इसके थ्रू में सुन रहे हैं, तो आपको एक थिएटर जैसा फीलिंग आएगा। मार्केट में जितना भी साउंड बार मिलता है तो प्राइस के कंपेयर में ये जो साउंड बार है ये काफी अच्छा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अभी आप हमको इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में फॉलो कर सकते हैं, हमारा फेसबुक का पेज जो है उसको लाइक भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप का वीडियो मैं रोज लेके आता हूँ। तब तक हमारा चैनल देखते रहिए। साउ टेक्नो गाइड, आपका दिन शुभ हो।